हेलो दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो वैल्यू प्रपोजिशन ये वर्ड आपको कभी ना कभी जरूर सुनने मिलेगा। आज के ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है वैल्यू प्रपोजिशन। एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपके माइंड में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वैल्यू प्रपोजिशन के रिलेटेड। जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएगा और आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा वैल्यू प्रपोजिशन के रिलेटेड। अब सबसे पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ वैल्यू प्रपोजिशन का। एक सिंपल लाइन में आपको वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब बताओ तो वैल्यू प्रपोजिशन एक स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करता है कि आपका प्रोडक्ट यूज करके कस्टमर को क्या फायदा होगा, कस्टमर को क्या वैल्यू मिलेगी और कौन सा प्रॉब्लम है कस्टमर का जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है। और अगर मार्केट में आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आपका कॉम्पिटिटर भी आपके जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहा है, तो कस्टमर क्यों आपका प्रोडक्ट ही यूज करेगा ना कि आपके कॉम्पिटिटर का। ये सिंपल लाइन में होता है वैल्यू प्रपोजिशन। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे वैल्यू प्रपोजिशन। मैं आपको अमेजोन का एग्जांपल देता हूँ। अमेजोन का वैल्यू प्रपोजिशन है कि आप इजीली घर पे बैठ के एक क्लिक करने पे मोबाइल से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो और प्रोडक्ट आपके घर में आ जाएगा 1-2 दिन में। ये वैल्यू प्रपोजिशन है अमेजोन का। इसके साथ साथ ये सारे वैल्यू प्रपोजिशन है अमेजोन के। ठीक उसी तरह हर एक बिजनेस का एक अलग वैल्यू प्रपोजिशन होता है जिसमें आपका बिजनेस बताएगा कि कौन सा वैल्यू आपका बिजनेस डिलीवर कर रहा है मार्केट में। जैसे मैंने आपको अमेजोन का एग्जांपल दिया वैसे आपका बिजनेस भी कुछ वैल्यू डिलीवर करेगा कस्टमर्स को, वही होता है वैल्यू प्रपोजिशन। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा। 72% ऑफ इनोवेटिव स्टार्टअप फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका वैल्यू प्रपोजिशन बराबर नहीं होता। मैं इसमें देखो इनोवेटिव स्टार्टअप बोल रहा हूँ, मतलब कुछ इनोवेटिव किया, कुछ नया किया, कोई न्यू सेक्टर में किया, फिर भी फेल हो जाता है क्योंकि वैल्यू प्रपोजिशन बरोबर नहीं होता। और जो 72% स्टार्टअप का जो नंबर है वो मैं नहीं बता रहा, वो साइमन कुचर करके एक फर्म है, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फर्म है, उनका ये डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनोवेटिव स्टार्टअप हो उसमें भी कितना इंपॉर्टेंट है वैल्यू प्रपोजिशन का होना। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो से आप समझ चुके हो कि क्या होता है वैल्यू प्रपोजिशन और कितना इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू प्रपोजिशन। हर एक स्टार्टअप या फिर वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में भी कितना इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू प्रपोजिशन। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख सको। थैंक यू वेरी मच।